ओके सो गाइस आज अपन खेलने वाले लाइफ और डेथ हाइड एंड सीक। मतलब गाइस देखो नाम से तो ये क्लियर है, जो बंदे छुपे हैं अगर वो मिल गए तो गाइस उनकी सीधा डेथ है, और जो बंदे छुपे हैं और वो नहीं मिले तो भाई वो जिंदा बच जाएंगे। मतलब अगर बचना है तो छुप के रहना पड़ेगा भैया। हाँ ऐसा ही कुछ। लेकिन गाइस इस बार अपन हाइड एंड सीक अकेले नहीं कर रहे, हमारे साथ काफी सारे लोग भी है। और गाइस हमें जो ढूंढने वाली है वो कोई और नहीं, ये स्केरी टीचर है और उसके साथ उसके गार्ड्स भी खड़े हुए हैं। अगर गाइस इनके हवाले कोई भी लगता है तो वो सीधा निपटा दिया जाएगा। और गाइस ये हाइड एंड सीक थोड़ा, एक मिनट, व्हाट, तुम्हारे बाल कहाँ गए? हाँ मैं भी उन्हें खोज रहा हूँ, कहाँ गए? अरे खोज रहे हो से क्या मतलब है भाई तुम्हारा? अरे चिंता नहीं, वो गर्मी हो गई ना तो मैंने बाल छोटे करा लिए, थोड़े ही दिन में आ जाएंगे। दिन क्या गाइस, थोड़े देर में आ जाएंगे, तब तक के लिए ये कैप लगा के चलते है। लेकिन गाइस दिक्कत की बात ये है कि जो पहले 5 बंदे मिलेंगे उन्हें ये डायरेक्ट मार देगी, और जो बाकी के 5 बंदे मिलेंगे ना उन्हें डायरेक्ट नहीं मारा जाएगा, उन्हें गाइस जितने भी छुपे हुए बंदे उन सबको खोजने का मौका दिया जाएगा। और अगर अपन बंदे खोजते जाते हैं तो हमारे ऊपर जो पनिशमेंट है जो कि है डेथ, वो हट जाएगी। तो गाइस अभी फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली बात ध्यान पे रखना भाई सारे की, सबसे पहले 5 में नहीं आना है। बाकी गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे जाके छुपने वाले और फिर टीचर हमें खोजेगी। ओके 3 2 1 ओके, तो सारे छुप चुके हैं। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन कहाँ खेल रहे हैं। गाइस इस बार कोई छोटी मोटी जगह नहीं है भाई, ये देखो ये काफी बड़ी है, और ये एक सीक्रेट बेस है जो कि इतना बड़ा है कि यहाँ ढूंढते ढूंढते एक्चुअल में रात हो सकती है। गाइस ये बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी सारे लोग छुपने वाले, तो हो सकता है कि जगह कम पड़ जाए या फिर ज्यादा, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब ये स्केरी टीचर और उसके गार्ड सबको खोजने निकल रहे हैं, और जो पहले 5 बंदे मिलेंगे ना भाई उन सबको सीधा सीधा निपटा दिया जाएगा। तो देखते हैं गाइस ये लोग कैसे खोजते हैं, और क्या ये एक्चुअल में मतलब अपन जो हाइड एंड सीक के प्रो बंदे लोग है ना? अपन नहीं, सिर्फ मैं हूँ भैया, तू तो शांत बैठ, उनको क्या खोज पाएंगे यानी, देख लेते हैं मतलब ये लोग का हाइड एंड सीक का तरीका किस टाइप का है गाइस। लेकिन गाइस अभी तक ओके, वेट व्हाट, भाई उस बंदे को और कोई छुपने की जगह नहीं मिली, मतलब उसे एक्चुअल में लग रहा है कि वो स्टैचू बन गया है। गाइस उसे कोई बताओ भाई, वो इतने क्लियरली दिख रहा है, देखते उसके साथ क्या होता है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वेट भाई गया बंदा, ओके गया बंदा। गाइस पहला बंदा डाउन हो गया है, और अब गाइस 4 बंदे और है जो सीधा डाउन होने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं कौन बचता है। ओ भाई गाइस एक मिनट, यहाँ पे लगता है एक और बंदा मिल गया इसके गार्ड को। ओके गाइस ये बंदा इतने बुरी जगह पे छुपा था, व्हाट, अरे भाई ये कोई छुपने की जगह है। ओ भाई गाइस ये लोग सीधा निपटा रहे, इसका मतलब 2 बंदे डाउन। ओके गाइस एक मिनट लगता है एक गार्ड को और कोई तो बंदा मिल गया वहाँ पे। लेकिन ओ भाई वो देखो गाइस बंदा दिख रहा है, लगता है ये बंदा भी निपटने वाला है। ओके 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 ओके, व्हाट, ओ भाई 3 बंदे गए। गाइस यहाँ पे स्केरी टीचर को एक और बंदा दिख गया है, लगता है ये गया, लगता है ये गया। ओ ओ भाई ओ भाई, ओके भाई गाइस ये तो 4th बंदा था, अगला कोई ना मिल जाए। मुझे डर लग रहा है भैया, सबसे पहले मैं ही मिलता हूँ। गाइस एक मिनट एक और बंदा मिल गया, व्हाट भाई ये क्या कर रहा है। ओके 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 गाइस लगता है ये बहुत बुरा फंसेगा। गाइस अगर ये सक्सेसफुली भाग गया तब तो ठीक है, पर ये बहुत डर गया है। ओके ये भागने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके गाइस बच तो रहा है। ओ भाई गाइस 5वां बंदा डाउन हो गया है। लेकिन गाइस मैं जहाँ छुपा हूँ ना वहाँ खोजना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गाइस मैं आराम से बैठा हूँ भाई, मुझे वैसे भी कोई नहीं खो। ओ भाई ये तो गई। अरे 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 एक मिनट फिर, ओ शिट भाई ये क्या हो गया। अरे टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। भाई यार ये ऐसी टीचर से मिलना नहीं था मेरे को। गाइस मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ था भाई, सीन बिगड़ गया सारा। अरे भाई 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 नहीं, देखो टीचर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं तो 5 के बाद मिला हूँ ना, मतलब मैं आपकी खोजने में मदद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई ठीक है गाइस, मैं अब इसको 5वें के बाद मिला हूँ तो मैं इसकी खोजने में कोई हेल्प कर देता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा हुआ इस बार तुम पहले मिले हो, अच्छा हुआ भैया, अब समझ आया कौन हाइड एंड सीक का प्रो प्लेयर है और कौन नूब है। ओ बेटे गाइस देखो ये मेरे अंदर के ना हाइड एंड सीक के प्लेयर को जगा रहा है। अंदर के तो बाहर का कौन है भैया। गाइस अब बहुत हो गया, अब अपन ना फुल मूड में खेल रहे हैं, और गाइस अब जितने बंदे मिलेंगे ना सबको ढोकने वाले अपन, मतलब अपन तो सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, आपको तो पता है अपनी इलेक्ट्रिक गन के बारे में। लेकिन फिर स्केरी टीचर कुछ सीन कर सकते। लेकिन गाइस आपको याद होगा
बाकी पहले पांच को तो निपटाया जाएगा और अगले पांच को हेल्प के लिए फोर्स किया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट फाइव बंदे जो भी मिलते हैं वो सब के सब हेल्प करते हैं या नहीं। देखो मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मेरी जान प्यारी है। तो गाइस एक काम करते हैं, अपन बंदे खोजना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाई साहब कितनी लंबी सीढ़ी है, मैं चढ़े ही जा रहा हूँ गाइस इससे पहले कि मैं ऊपर पहुंचूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो गाइस, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। मतलब गाइस अब तो अपन रोज मिल रहे हैं, और गाइस अब अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई गलत बात है यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाकी अपन पहुंच चुके हैं ऊपर, और ये क्या भाई ऊपर तो अलग ही फ्लोर है, और भाई ये कैसी कैसी कार है गाइस। देखो ऐसी अलग टाइप की कार मैंने नहीं देखी है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक सीक्रेट सा रूम दिख रहा है, मतलब सीक्रेट बेस पे भी सीक्रेट रूम है, ठीक है भाई, मतलब कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है। लेकिन गाइस अंदर जाके देखते हैं कौन मिलता है हमें। गाइस वैसे तो कोई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक काम करते हैं अंदर जाके देखते हैं। ओके ओ भाई जगह तो बेहतरीन लग रही है भाई, मैं तो बोलता हूँ हाइड एंड सीक छोड़ो, इधर गेम वेम खेल के भग लेते हैं। लेकिन ठीक है गाइस एक बार अच्छे से खोज लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर अपन किसी को नहीं खोजेंगे तो पनिशमेंट के तौर पे अपन को ही निपटा दिया जाएगा। और अगर अपन कुछ बंदे खोज लेते हैं, लेट्स से 5-6 बंदे अगर अपन खोज लेते हैं, इतने सारे बंदे छुप रहे, तो हमारी पनिशमेंट हट जाएगी। तो गाइस मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि 5-6 बंदे खोज लूं। बाकी ये क्या चीज है भाई, ओके ओके ठीक है भाई ठीक है। गाइस ये जगह काफी ज्यादा मतलब बहुत ही बेहतरीन टाइप की है, एक से एक चीजें रखी हुई है, और यहाँ पे जितनी भी चीजें ना सब कुछ देखने में काफी मजा आ रहा है। हालांकि हमें कोई तो मिला है, ओके ओके सुनो मेरी बाबा तुम मुझे देख लिए हो क्या। नहीं चौप मेरे को दिख ही नहीं रहा है, कहीं तो किसी व्हाइट कलर के टेबल के पीछे तो नहीं है ना। अरे नहीं तुम्हें कैसे पता चला। अरे क्या बताऊं यार, तू क्या बोल रहा था ये बोल। देखो मैं बोलता हूँ कि हम लोग सौदा कर ले क्या। सौदा कैसा सौदा, तो तुम जो भी बोलो मैं वो कर लूंगा। लेकिन चल ठीक है मैं तेको एक डील देता हूँ, लेकिन उससे पहले आउट कर लेता हूँ। अरे ये क्या, अब कोई डील नहीं मिलेगी, चलो भाग। क्या बेकार आदमी हो भाई, हम तो घर के बंदे थे, चाहते तो डील करके बिजनेस करके यहाँ से बच के भाग सकते थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बता डील थी क्या। अब मैं नहीं बताऊंगा, भागो। तुम्हें तो पता ही है अब निर्मा मेरे साथ नहीं है, पिछले वीडियो में जो हुआ उसके कारण। पिछले वीडियो में जो हुआ उसके कारण नहीं, तेरे ही कारण, ठीक है ना। ठीक है भाई ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा ही बोलेंगे। और अरे भैया मेरे जख्म को गहरा ना करो। अच्छा ठीक है, और एंजला तो थी उसका क्या हुआ। नहीं पता, वो तो गायब है। ओके गाइस लगता है चौप बहुत बड़ी दुख दर्द पीड़ा में, लेकिन अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ हाइड एंड सीक से मतलब है ना। अपन बाकी के बंदे खोजते गाइस इससे पहले कि वो स्केरी टीचर हमें खोज के निपटा दे। अपन काफी सारे बंदे खोज लेते हैं, और ये जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ पे अपन एक्चुअली में कार वार से जाके घूम के बंदे खोज सकते हैं, तो क्यों ना घूम के ही बंदे खोजे। वेट व्हाट, ये क्या जगह है भाई। लेकिन ठीक है गाइस जैसी भी जगह है जगह सही लग रही है। वो भाई अंदर में, भाई साहब ये क्या बात हुई, यहाँ पे तो खतरनाक कार है भाई, और अपन इस खटारा पे क्यों है। एक काम करते हैं गाइस कोई दूसरी बढ़िया सी कार लेते हैं, और फिर यहाँ पे आगे वो जो रैम जैसा दिख रहा है ना उस पे जाएंगे। और गाइस कम से कम 5-6 बंदे तो खोजना ही है अपने को। देखो चौप तो मिल गया, तो कोई दिक्कत वाली ओके ओके ओके। ओ भाई यहाँ पे तो बंदों के शूटिंग चल रही है भाई, मतलब तुम्हें हाइड एंड सीक क्या खेलने का मौका मिला, तुम इधर शूटिंग स्टार्ट कर दिए। शूटिंग तो अपन भी कर रहे हैं, लेकिन गाइस अपन सिर्फ और सिर्फ आउट कर रहे हैं। ओके लेट्स गो भाई लेट्स गो। गाइस अपने काफी सारे बंदे गिरा दिए, लेकिन गाइस जो मुझे असली बंदे खोजना है ना वो कोई और नहीं, वो हगी है और पेनी है। गाइस ये दोनों बंदे ना पिछले बार हाइड एंड सीक में मेरे को काफी ज्यादा ट्रोलिंग किए थे, तो इस बार अपन सबसे पहले तो हगी और पेनी के पीछे जाते हैं। और अगर अगर गाइस अगर चलते फिरते हमें शिनचैन मिल जाता है तो ठीक है। चलते फिरते क्या भाई, मैं क्या आपको छोटा मोटा हाइड एंड सीक प्लेयर लगता हूँ। हाँ छोटा मोटा ही लगता है। ओ भाई एक मिनट। ओके गाइस यहाँ पे डायनासोर की हड्डी क्या कर रही है। मुझे लगता है यहाँ पे डायनासोर एक दिन आया होगा और फिर भूख के मारे मर गया होगा बेचारा। अरे मेरे इमोशनल चॉप एक बात बता, डायनासोर इतने साल पहले निकल चुके हैं। ओ भाई साहब गाइस ये तो लेजिट हड्डी लग रही है, बहुत ही खतरनाक स्केलेटन लग रहा है डायनासोर का, और यहाँ पे उसका अंडा भी है। व्हाट गाइस ये डायनासोर का अंडा है क्या। फोड़ के मत देखना, अंदर से कोई डायनासोर का बेटा निकला तो तुम्हें खा लेगा। अच्छा ठीक है। ओ भाई गाइस दो बंदे और मिल गए, और हमने दोनों को ही डाउन कर दिया है। गाइस दोनों बंदे डाउन हो गए। अब अपने को जाना है और शिनचैन और हगी को खोजना है, लेकिन उससे पहले अपन स्केरी टीचर को जाके रिपोर्ट तो दे दें कि अपन एटलीस्ट इतने सारे बंदे खोज तो लिए। ओ भाई गाइस पैराशूट की लैंडिंग पे ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओ टीचर हमने कम से कम 5-10 बंदे खोजे हैं, ठीक है ना। अरे 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 क्या हो गया क्या हो गया, अरे भाई मैंने क्या गलती कर दी है। देख लो मारना अपने को भी आता है, ठीक है ना गाइस, लेकिन इस पे हाथ उठाना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते गाइस डॉज करते रहते जब तक कर सकते। ओ भाई गाइस यहाँ से
से भागना पड़ेगा लगता है। मैं तो बोलता हूँ वहाँ से जोर से भागो एक आध बत्ती दे के। ओके गाइस, हमने एक बत्ती दे दी है और भागना ही पड़ेगा। ओ भाई शिट गाइस, लगता है मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन चलता है भाई। इतने बंदे खोजे और ये हमें मार रही है, मतलब गाइस कुछ एक मिनट गाइस, ये हमें मार रही है इसका मतलब कुछ तो पूछना है। रुक जाओ गाइस, क्या दिक्कत क्या है बता करते हैं। ओ भाई सीन ऐसा था क्या गाइस, अभी मेरी बात हुई। दिक्कत की बात ये है कि हमसे ज्यादा बंदे जो इसके गार्ड्स थे ना वो लोग खो चुके हैं। मतलब हमने 5-10 बंदों को आउट किया, उन्होंने 20-25 बंदों को आउट कर लिया। इतने बंदे थे भी यहाँ पे। लेकिन ठीक है गाइस, अपने को साबित तो करना ही है कि हाइड एंड सीक पे तो अपन प्रो है। तो एक काम करते हैं, अपन फटाफट से एक मिनट, वो कौन है ग्रैनी। भाई साहब ग्रैनी मिल गई है। रुक जाओ, इसे भी आउट करना पड़ेगा। ग्रैनी द ग्रेट गई। गाइस देखो, अपन तो निपटा नहीं रहे, अपन सिर्फ एक इलेक्ट्रिक शॉक देख के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो करना है वो स्किरी टीचर करेगी और मोस्ट प्रोबेबली वो मारेगी नहीं, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट 5 बंदे थे उन्हें ही निपटना था और वो निपट चुके हैं। और गाइस अभी हमें शिनचैन, शिनचैन हगी पैनी ये सबको खोजना है। और एक मिनट, वो ब्लू ब्लू कहीं हगी तो नहीं है, और पानी भी है यहाँ पे। गाइस एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ये हगी तो नहीं लग रहा है, बट ये है क्या भाई? मुझे लगता है ये हगी का कुछ तो गंदा सा कीड़ा होगा। अरे भाई तुझे जो भी लगता है ना अपना मुंह बंद। एक मिनट गाइस, लगता है हमें हगी तो नहीं लेकिन कोई और मिल गया है। एक मिनट, ये आधा तो पानी में ही धंसा हुआ है, लेकिन ठीक है। अरे बापरे, आपने कहाँ से ढूंढ लिया भैया? गाइस अपन ना पहले से बहुत तगड़े हो चुके हाइड एंड सीक में। और गाइस अपना जो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, वो जो इसके गार्ड्स है ना, जितने भी सिक्योरिटी टीचर के गार्ड्स है उनसे चल रहा है। तो गाइस हमें मेन क्या करना है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो गार्ड्स है उनसे ज्यादा बंदों को ढूंढ के आउट करना है। और गाइस एट दी एंड देखेंगे किसने ज्यादा बंदे आउट किए, और जो भी ज्यादा बंदे आउट करेगा वो जीतेगा। लेकिन गाइस अपने में सीन कैसा है कि अपन को एक पनिशमेंट भी मिल सकती है, जो कि कुछ और नहीं सीधा डेथ है, और उनपे कोई पनिशमेंट का इशू नहीं है। तो गाइस इससे पहले कि वो और बंदे ढूंढे, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट गाइस, अपन इस जगह पे तो गए ही नहीं है। भाई ये देखो एक बार, यहाँ पे इतने सारी जगह, इतने सारे बंदे मिलेंगे, पहले यहाँ चलते हैं। गाइस भाई हमने कैसे मिस कर दिया, मैं ये सोच रहा हूँ भाई। इतनी बड़ी जगह थी, अपन यहाँ तक आए थे लेकिन मिस कर दिए। ओके गाइस, तो फाइनली अपन अंदर जा रहे भाई, अंदर जा रहे भाई। ये कैसी जगह है गाइस, एक बार आप देखो भाई, इतनी बड़ी है, लंबी है। और गाइस ये परफेक्ट जगह है किसी को भी अंदर छुपने के लिए। पहले अपन देख लेते हैं कोई यहाँ है तो नहीं, क्योंकि वो लोग हमें आउट भी कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना है। ओके वैसे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन गाइस इतनी बड़ी जगह है कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान से खोजना पड़ेगा। वेट गाइस, आपको वहाँ पे कुछ ब्लू दिख रहा है? क्योंकि मेरे को भी दिख रहा है। ओ भाई हगी ओ भाई क्या भाई, ये क्या छुपा था? नहीं गाइस, छुपा अच्छा था, क्योंकि अपन इतने देर तक इसको खोजे उसके बाद मिला, तो छुपा तो ठीक ठाक था। लेकिन गाइस अभी भी सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये है कि ये जो जगह है ये बहुत बड़ी है, और अकेले खोजना थोड़ा मुश्किल है। तो अपन अपने स्पेशल एजेंट को बुलाएंगे, और वो स्पेशल एजेंट कोई और नहीं है, वो है चॉप। अरे चॉप तू थोड़ी है मेरा स्पेशल एजेंट। अरे प्लीज भाई मुझे ही बना लो, मुझे एजेंट बनना बहुत पसंद है, और सीक्रेट काम करना उससे भी ज्यादा। ठीक है, अब तू इतना बोल ही रहा है तो मैं बना ही लेता हूँ। वैसे तो गाइस अपना सीक्रेट एजेंट कोई था ही नहीं, वो तो अच्छा ही आ गया। और अगर मैं इसे खुद से बुलाता ना तो बिल्कुल नहीं आता भाई, कुछ तो बहाना मारता। लेकिन अभी देखो मैं इसको थोड़ा बहुत ना चकमा देके, थोड़ा सा मक्खन लगा के इसे ना थोड़ा सा वो करता हूँ काम करने के लिए। अरे भाई चॉप, अपन ना काफी ज्यादा सीक्रेट मिशन पे, ठीक है? और इस पे क्या है ना, जो एजेंट होता है ना उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। फाइनली मुझे बहुत बड़ा रोल मिल ही गया। अरे वैसा नहीं, हाँ मतलब वैसा ही। और इसमें एक और चीज कैसे रहती है ना चॉप, कि तू जितने ज्यादा बंदों को खोजता जाएगा ना, तेरा उतना बड़ा रोल होता जाएगा। अरे मतलब हमें खोजना बंदे ही है क्या? हाँ खोजना बंदे ही है चॉप, तू समझ नहीं रहा ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अरे बापरे ऐसा है क्या? गाइस चलो जितना जल्दी हो सके खोजता हूँ। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है, इधर खोजना है। अरे उधर खोजना है क्या? कहीं भी खोजना है, कर खोजना तो है भैया। गाइस एक काम करता हूँ, मैं ऐसी जगह घुस के देखता हूँ जहाँ पे कोई नहीं घुस सकता है। अरे जहाँ कोई घुस ही नहीं सकता वहाँ पे कोई छुपेगा कैसे? भाई चॉप ऐसी जगह घुस के देख जहाँ पे कोई घुस के छुप सकता है। अरे हाँ ये भी अच्छा दिमाग लगाया यार तुमने, तुम तो बहुत तेज हो। अरे तेज नहीं भाई, इसे कॉमन सेंस बोलते हैं। कहा इस चॉप से मेरे को कोई खास उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है आपको भी कोई खास उम्मीद होगी नहीं चॉप से। लेकिन गाइस आपसे मेरे को उम्मीद है, अगर आपने लाइक अभी भी नहीं किया तो एक काम करो गाइस, एक लाइक तो कर दो। लेकिन अभी भी पेनीवाइज आलोक, गाइस अपन आलोक को कैसे भूल सकते हैं भाई? यार आलोक को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आलोक को नहीं ढूंढूंगा ना तो वो अगले हाइड एंड
सीख के गेम में भाई बड़ा ट्रोलिंग करने वाला है कि मेरे को तो तुम लोग ढूंढ नहीं पाए, ऐसा वैसा ये वो, मैं प्रो प्लेयर हूँ ये वो। गाइस वो काफी ज्यादा बोलेगा, तो उससे बढ़िया पहले तो मैं सोच रहा हूँ इस बाइक से उतर जाऊँ क्या। मुझे लगा था ये उड़ने वाली बाइक है, लेकिन गाइस ये उड़ने नहीं, ये उड़ाने वाली बाइक है। इस बाइक ने मेरे को उड़ा ही दिया। ओके अपन वापस से ऊपर आ गए और यही खड़ा है। मास्टर मास्टर एक बात बता, आपको क्या लगता है कि हम कोई बंदे अगर ढूंढ लेंगे तो हमें कोई प्राइस, कुछ पैसा, कुछ भी मिलेगा? हाँ देख, दो चीज मिलेगी, पहली तो अपनी जान सही सलामत, और दूसरा वो काफी बड़ी चीज है, चौप तू टेंशन मत ले, एक अच्छी चीज मिलेगी ठीक है, बस तू मन लगा के ना बंदों को ढूंढ ठीक है। जैसा तुम बोले मास्टर। गाइस देखो अपन ऑलमोस्ट सारी जगह को चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन जो एक दो जगह बच रही है ना उस जगह पे जाके खोजते हैं कौन सी जगह बच रही है, और वहां पे जाके किसी और को नहीं आलोक को ही खोजते हैं। गाइस ये बड़ी सी सबमरीन भी है, शायद इसके अंदर भी एक बार जाके हमें देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले अभी अंदर जितनी जगह है पहले वो सारी जगह को देख लेते हैं। फिलहाल मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ। तुम लिफ्ट से नीचे जा रहे हो और मैं पैदल ऊपर जा रहा हूँ। ओके तो मैं नीचे आ गया और गाइस मुझे पता चल गया है कि मैं कौन सी जगह को छोड़ रहा हूँ। देखो गाइस अपन यहाँ पे नीचे ढूंढ ले, वो जो ऊपर एक जगह आ रही है ना गाइस, जहाँ से अपने स्टार्ट किया था वहाँ पे ऊपर पे एक रोड है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जाने के लिए कोई खास ऐसी चीज तो दिख नहीं रही है। तो एक मिनट, व्हाट, ये उड़ने वाली कार है भाई? डोंट टेल मी ये उड़ने वाली कार है। ओके गाइस लगता है ये उड़ने वाली है, पर इसे उड़ाते कैसे? ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, अरे नहीं नहीं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक तो थी बट जो भी बोलो ना, काम हो गया, अपन ऊपर पहुंच गए, इतना ही चाहिए था। और गाइस देखो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अपन यहाँ से स्टार्ट किए थे इसका मतलब मैं आलोक को अच्छे से जानता हूँ। आलोक क्या करता है ना, जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे कोई आसपास जगह ढूंढ के छुप जाता है। और गाइस आपको तो पता है कि आलोक और मेरे बीच थोड़ा सा सीन चलता है, अगर वो मेरे को नहीं ढूंढ पाता है तो भाई उसको बहुत बुरा लगता है, और मैं उसे नहीं ढूंढ पाता तो भाई मेरे को भी गुस्सा आ ही जाता है। तो एक काम करते हैं, अरे 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 ये कहाँ आ गया मैं, एक मिनट गाइस ये कोई अंडरग्राउंड जगह है भाई, एक मिनट। ओके ओके, अरे यार ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्यन, उसके दोस्त, उसका ये वो, कोई नहीं पहुंच सकता है, यहाँ पे आराम करते हैं, मजे करते हैं, यहाँ पे मस्त जिंदगी जी रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बस कोई डिस्टर्ब ना करे और कोई कर भी नहीं सकता है, मतलब यहाँ से कोई गलती से भी नहीं आ पाएगा यार। एक मिनट, इस बंदे को कोई बताओ कि मैं यहाँ पे गलती से ही पहुंचा हूँ, लेकिन अभी ठीक है, बजाने दो गिटार, थोड़े बहुत से गिटार के मजे लेते हैं। वैसे गाइस देखा जाए तो ये गिटार अच्छा बजा लेता है, बाकी इसके गिटार बजाने में मेरे को नाचने में काफी मजा आ रहा है, और अगर आपको भी देखने में मजा आ रहा है गाइस ये वीडियोस, और ऐसे वीडियोस और पसंद है तो गाइस एक सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि आगे और भी बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं। फिलहाल अपन ने बहुत डांस कर लिया है, अब इसे आउट कर देते हैं। और मेरे गिटार मास्टर, अरे यार गिटार तो तू बढ़िया बजाता है लेकिन हाइड एंड सीक अच्छा नहीं खेलता है भाई। गाइस अपन यहाँ पे घुसे कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब सीन क्या है? एक मिनट, ओ भाई अब समझ में आया, अपन यहाँ पे घुसे कैसे थे, अपने को जाना था यहाँ पे, अपन नीचे घुसे गलती से, लेकिन ठीक है भाई अपन ने ऑलमोस्ट बंदे खोज लिए हैं। लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं अपन स्केरी टीचर के पास और उसे रिपोर्ट करके आते हैं। ओ भाई पहुंच गए, ये रहे टीचर, तो भाई इसे समझा देते हैं, गार्ड्स के साथ खड़ी है बैट लेके। तो टीचर देखो ऐसा है कि तुम्हारे जितने भी ये गार्ड्स है ना, इन्होंने जितने मिला के किए होंगे ना बंदे आउट, उतने तो मैं अकेले ही कर दिया हूं, समझ रहे हो? लेकिन एक मिनट, इसे क्या हो गया? अरे भाई मार क्यों रही है? अरे भाई भागो। गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।